कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कड़ी सावधानी बरतते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर में नेशनल नीट यूजी 2020 का आयोजन कर रहा है। इस बार नीट एग्जाम के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। नीट 2020 एंट्रेंस की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और जबकि दूसरे शिफ्ट परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। बात अगर प्रदेश की करें तो राजस्थान में 269 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश से आपको बता दें कि 1.08 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा के लिए एनटीए की ओर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है जिसे हर स्टूडेंट को फॉलो करना होगा। सेंटर पर स्टूडेंट्स को कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घड़ी और ज्वेलरी नहीं ले जा पाएंगे वो और साथ ही हर स्टूडेंट की सेंटर पर वीडियोग्राफी भी होगी। एडमिट कार्ड में दिए गए टाइम स्लॉट के अनुसार स्टूडेंट्स को सेंटर पर पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश वाला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी एसओपी जारी की गई है, क्या तमाम जो रियायतें हैं, क्या तमाम चीजें उसमें उनका बखान किया गया है, कहा गया है, क्योंकि कोरोना के दौर में ये परीक्षाएं हो रही हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी। देखिए मनीषा, कोरोना संक्रमण के बीच ये हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट की एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है। लगातार लंबे समय से विपक्ष की ओर से और साथ ही साथ कई अन्य राज्य सरकारों की ओर से दलीलें दी गई थी कि जो नीट और जेईई एग्जाम है वो नहीं करवाया जाए। इसी के बीच में 1 से 6 सितम्बर तक जेईई के एग्जाम के बाद में आज नीट की एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है। एनटीए की ओर से ये एग्जाम आयोजित करवाया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी निर्देश जारी किए गए कि तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन दी गई है उसके सुनिश्चित पालना करते हुए एग्जाम करवाई जाए। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो एनटीए की ओर से जो एग्जाम आयोजित करवाया जाए उसमें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विद्यार्थियों को सख्ती से पालन करवाना होगा और उसी के बीच में यह एग्जाम करवाई जाएगी। आज एनटीए की ओर से देश भर में नीट की एग्जाम करवाई जा रही है जिसमें देश भर में तकरीबन 95,97,000 के करीब जो विद्यार्थी है वो पंजीकृत हुए थे, जिसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1,08,000 के करीब विद्यार्थी जो नीट एग्जाम के लिए पंजीकृत हुए थे उसमें आज जो एग्जाम होंगे। और प्रदेश के 6 शहरों में ये एग्जाम आयोजित करवाए जाएंगे जहां जो 269 सेंटरों पर ये एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है। बात करें तो जो एग्जाम 2 पारियों में होगी, सुबह 11 से 1:30 और 2 से 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। एनटीए की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें जो अभ्यर्थी है जो विद्यार्थी है उनको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होगा जहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। बारकोड के जरिए ही उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां पर विद्यार्थियों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर करना अनिवार्य रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि सख्ती से कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका सख्ती से पालन करवाए और उसी को ध्यान में रखते हुए ही विद्यार्थियों को जो एग्जाम करवाई जाए। जहां एक रूम में 24 विद्यार्थी जहां बैठते थे वहां अब केवल 12 विद्यार्थियों को बैठने की ही अनुमति दी गई है। जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालना सुनिश्चित करवाए, इसके लिए एक कक्षा कक्ष में तकरीबन 12 विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है। 12 परीक्षार्थी वो बैठकर एग्जाम देंगे। इसी के साथ साथ बात करें तो प्रदेश भर के 3843 जो सेंटर है वहां पर यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण को देखते हुए एग्जाम सेंटरों में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि तकरीबन 15,97,000 विद्यार्थी हैं तो ऐसे में जहां तकरीबन 2400 के करीब पहले सेंटर निर्धारित किए गए थे वो अब बढ़ाकर 3843 किए गए हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां एक रूम में जो 24 विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति थी वहीं अब केवल 12 विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उसी को देखते हुए जो एग्जाम सेंटर है वो भी बढ़ाए गए हैं। और उसी के साथ साथ बात करें तो कोरोना संक्रमण
संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करवाई गई है, क्योंकि पहले जब विद्यार्थी एक को एक घंटा पहले वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर बुलाया गया है, साथ साथ आधे घंटे बाद उनको प्रवेश करने की जो अनुमति है वो भी नहीं मिल पाएगी, और इसी को देखते हुए उनके जो एडमिट कार्ड है वो भी बार कोड के जरिए स्कैनिंग होगा, साथ साथ उनका उनको सैनिटाइज करवाया जाएगा, मास्क लगवाया जाएगा बाकायदा, और उसके बाद में ही परीक्षा जो केंद्र है उसमें प्रवेश दिलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एनटीए और स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइन जारी की गई उसी को सख्ती से पालन करवाने का यहाँ पर निर्देश वो दिया गया, उसी के तहत यहाँ पर जो एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएगी इस बार। जी जी बिल्कुल लोकेश, देखिए प्रदेश में क्योंकि 269 सेंटर्स बनाए गए हैं एग्जाम के लिए, बात अगर राजधानी जयपुर की करें यहाँ कितने सेंटर्स हैं? देखिए बात करें तो प्रदेश भर के 6 शहरों में 269 सेंटर बनाए गए हैं, ऐसे में राजधानी जयपुर में अधिकांश सेंटर है वो रखे गए हैं, बड़ी संख्या में राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और एग्जाम सेंटर नजदीक के रखते हुए यहाँ पर अधिकांश जो सेंटर है वो दिए गए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी तमाम सेंटरों के ऊपर जो सोशल डिस्टेंस है जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, प्रदेश के 6 शहरों में जो एग्जाम है वो करवाया जाए जिसमें जयपुर जोधपुर कोटा सहित जो बड़े शहर है वहीं पर एग्जाम केंद्र है वो दिए गए हैं, क्योंकि नीट एग्जाम जो एनटीए की ओर से करवाया जा रहा है, एनटीए के जो सेंटर है वो छोटे शहरों में नहीं होकर जो बड़े शहरों में ही दिए गए हैं और वहीं पर एग्जाम है वो करवाई जाती है। जी जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए 269 सेंटर्स प्रदेश में बनाए गए हैं, 6 शहरों में बनाए गए हैं, राजधानी जयपुर में भी काफी रियायतें भी हैं छात्रों के लिए, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के दौर में ये परीक्षाएं हो रही हैं तमाम जो गाइडलाइंस हैं जो हेल्थ मिनिस्टर की ओर से एसओपी जारी की गई है उसका पालन करना होगा।